आज हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। बारिश का मौसम है तो आइए, हमने जो ग्रीन चिली लिया है उसकी जो क्वांटिटी है वो आधा किलो है। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला मिर्ची जो है अचार के लिए बहुत ही सही है। और ये देखिए, अभी हम इस तरह से एक एक करके तोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से आप इसकी डंठल जो है तोड़ लेना, और फिर क्या करना, इसको स्लाइड मारना 1/2। ये देखिए इसी तरह से, इससे क्या इसके अंदर जो मसाला भी है वो बहुत ही बढ़िया उसके अंदर जाएगा। तो अब इसी तरह से एक एक करके इसे डंठल को निकालिए और इसे मिडिल से कट कर लीजिए। ये देखिए एक एक करके सब मैंने 1/2 कर लिया। आप इसी तरह से आपका हिसाब से, आप कितना मिर्ची बनाएगा उसका हिसाब से आप लीजिए। मैंने ये देखिए आधा किलो को टोटल 1/2 कर लिया। देखिए इसी तरह से आप इसे कट कर लीजिए पहले मिर्ची। अचार बनाने के लिए हमें अभी कुछ मसाला को ना थोड़ा भूनना, भूनने के बाद पाउडर बनाएंगे तो उससे क्या है बहुत बढ़िया आएगा। ये देखिए धनिया एक एक चम्मच का हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, जीरा, मस्टर्ड सीड अगर आपको पास येलो वाला है, ज़्यादातर पंजाब साइड में मिलता है वो भी चलेगा, सौंफ जिसको बोलते हैं फेनल सीड, और यह मेथी दाना। इसे क्या करेंगे, हल्का सा हमने इसे भून लेंगे। देखिए इसी तरह से एकदम धीरे स्लो फायर में आप इसे रोस्ट करिए। इसकी जो मसाला है ना पाउडर बनाने के बाद जब हम इसके अचार में ढालेंगे ना, तो इसकी जो स्वाद है, जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप इसी तरह से सेम इसे हल्का सा इसे भून लीजिए। देखिए एकदम स्लो फायर में है, और फिर थोड़ा टाइम इसको भूनने के बाद ये देखिए इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पर लिया है देखिए एक जार इसे पाउडर बनाने के लिए, और यहाँ पर हमने ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। देखिए ये हमने इसे ऐड कर दिया, और फिर इसे ढक्कन लगाएंगे और इसको पाउडर बनाएंगे। अभी हम अचार बनाने के लिए हंडी में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। मस्टर्ड ऑयल से बहुत ही बढ़िया बनते हैं, आप चाहे तो प्लेन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो मस्टर्ड ऑयल लिया है वो 100 ml लिया है, ये देखिए, और इसे एकदम धुआंधार गर्म करेंगे। ये ऑयल को, हमारी जो ऑयल है ना वो धुआंधार गर्म हो चुका है। आप यहाँ पे हल्का हल्का तेल से धुआं निकल रहा है, पता चल रहा है फुल गर्म है। अभी क्या करेंगे, इसकी जो गैस फायर है वो ऑफ कर दिया, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा, ये देखिए हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। इसी तरह से आप एकदम इसको धुआंधार गर्म कर लीजिए। धुआंधार गर्म करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये जो मिर्ची है यहाँ पर मिर्ची ढाल दिया, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, और इसके ऊपर जो हमने अचार के लिए बनाया था मसाला ये देखिए वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है ना, पिसा हुआ मसाला हमने ऐड कर दिया। अभी यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा चाट मसाला, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट 1 चम्मच, ये जो मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ 1-1 चम्मच, आमचूर पाउडर, अगर आपको पास आमचूर पाउडर नहीं है आप विनीगर भी डाल सकते हैं, ये मैं खट्टा करने के लिए डाल रहा हूँ, 1 चुटकी हींग ये फ्लेवर के लिए, और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ये देखिए इमली का पानी, थोड़ा सा मैं इमली का पानी ऐड कर रहा हूँ, इमली नहीं है विनीगर डाल सकते आप। अभी क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से देखिए मिलाएंगे। देखिए ये कितनी बढ़िया सा बना है, ये देखिए, देखिए इसे अच्छी तरह से थोड़ा मिलाते जाइए इसी तरह। ये देखिए मिर्ची जो है एकदम सॉफ्टनेस आ चुका है, और धीरे धीरे और भी ये सॉफ्टनेस हो जाएगा। आप घर के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, और बना के कांच की कोई भी एक बोतल में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी दिन के लिए, मांत तक चल जाएगा। और ये बहुत ही बढ़िया डिश है, देखिए मुंह में देखने से ही अचार पानी आ रहा है, ये देखिए मुंह में
और अभी हम क्या करेंगे, हम इसे स्टोर नहीं करेंगे, हम इसके रेस्टोरेंट के लिए बनाया आधा किलो, आपको मैं पहले से बोला क्वांटिटी। तो अभी यहाँ पे एकदम शार्प करने के लिए हमने यहाँ पर डालते जाएंगे, ये देखिए, और फिर हम इसको रेस्टोरेंट में बुफे में इसको लगाएंगे। कितनी खूबसूरत लग रहा है, देखिए देख से पता चल रहा है कितनी ज़बरदस्त बना है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। मेरा रेसिपी कैसा लगा आप ज़रूर बताना।